खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई मदर्स डे है तो मदर्स डे में कुछ स्पेशल बनाया जाए। भाई माँ के हाथ का जो खाना है उसकी बात ही कुछ अलग है, और वो ऐसा खाना होता है जो एकदम अलग होता है। अलग का मतलब ऐसा कि जिसमें कभी कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। हाँ, क्योंकि वो इतने प्रेम से बनता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनता है कि उसमें आप गलती निकाल ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मदर्स डे में मैं वो रेसिपीज़ बनाऊं जो मेरी मदर की स्पेशल डिशेज है। मतलब सिंपल डिशेज, मुश्किल बिल्कुल नहीं, लेकिन वो डिशेज जो मुझे लगती हैं कि इतनी आसान है लेकिन फिर भी मुझसे वैसी क्यों नहीं बनती। या ऐसी रेसिपीज हैं मेरे पास भी जो मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती लेकिन मेरी मदर से बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा कि उनको यहाँ पे लेके आता हूँ, लेकिन जब तक वो आए एक काम करते हैं, फटाफट रेसिपी, वो भी उनकी रेसिपी, गाजर की कांजी। इसके लिए गाजर को पहले काटना है। ये लीजिए, ये गाजर के पीसेस। तो ये जो है गाजर में, ये देखिए कितना अच्छा रंग, ये डाला जाएगा इसका, बीट रूट का। तो बस ज्यादा गाजर, थोड़ी बीट रूट, और बीट रूट को काट दिया। अब क्या करना है, अब तो बस ये गाजर और उसके साथ साथ बीट रूट, लेकिन बीट रूट ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी बीट रूट, और इसमें डालेंगे हम ये मसाले। कोई कांजी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मसाले नहीं चाहिए होते हैं। नमक, उसके साथ साथ लाल मिर्च, और सबसे जरूरी चीज मस्टर्ड सीड्स, और फिर क्या, सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और डालना है पानी। ये लीजिए ये पानी इसके अंदर। अब आपने इसको कवर करना है, अब मस्टिन क्लॉथ से इसे ढक दें और करीब 3-4-5 दिन धूप में रखें इसको। जी हाँ, इसको धूप में रखना है, जब धूप नहीं हो तो बाहर ना रखें, अंदर ले आए। वैसे आजकल तो धूप भी अंदर ही होते, घर इतने बड़े तो होते ही नहीं है कि धूप आंगन में है और वहाँ पे रख रहे हैं। बैल्कनी भी ढूंढ के मिलती है मुंबई जैसे शहर में। तो खैर 3-4 दिन बाद ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है और खट्टा होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, मस्टर्ड का यही कमाल है, और उसके बाद इसका रंग भी गाढ़ा हो जाएगा, एकदम कांजी जैसा रंग। और इसको पिए आप ठंडा करके, चिल करके। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली फर्मेंट होती रहती है और ज़्यादा खट्टी होती रहती है। तो बहुत ज़्यादा समय तक रखेंगे तो पीने लायक नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। इसलिए कांजी को पी लें बस 10 दिन के अंदर अंदर, और ठंडा करके पिए मज़ेदार गाजर की कांजी। मेरी मदर की रेसिपी है, उनके साथ एक बड़ी सिंपल सी डिश है लेकिन मसालेदार है। मेरे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है, देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका इंग्रेडिएंट। गाजर की कांजी के लिए हमें चाहिए 4 गाजर लंबी कटी हुई, 1 चुकंदर लंबा कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच नमक, 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 4 बड़े चम्मच राई कुटी हुई। इसे बनाने के लिए एक बड़े बोल में गाजर और बीट रूट में नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई राई और करीब 15 कप पानी डालकर मिक्स करें। उसे ढक कर 3-4 दिन तक रखें और खट्टे होने पर इस्तेमाल करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर। मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको मालूम है आज का हमारा स्पेशल कौन सा चल रहा है? आप मिले हुए इनसे पहले? नहीं मिले हुए। मेरी मदर है, मम्मी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं भी कोशिश कर लेता हूँ नहीं बनती है। आलू जीरा, इसके बारे में और बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए क्या क्या करना है? सब सामान पूरा है यहाँ पे या कुछ रह तो नहीं गया है? सब बराबर है जी। कुछ कुछ ऐसा है, कुछ चाहिए? और धनिया, धनिया धनिया कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ लेके आए जल्दी से।
अच्छा आलू कैसे काटने हैं? ये मेरे ख्याल से पहले यहाँ पे ठीक कटे हैं, ठीक कटे हैं। छोटे नहीं लग रहे थोड़ा? किसने बड़े खाने? बड़े काट ले, छोटे खाने तो बड़े वाले आप अपने स्टाइल से करो ना। ये मुझे लगता है छोटे को मैंने तो देखे हुए ना। ठीक है जी। ये अच्छा, तो ये आलू इस तरह से कोई पहले भी कोई घर में बनाता था हमारे कोई, या नहीं जी? नहीं। हाँ, आपकी रेसिपी? मेरी रेसिपी है। अच्छा, चॉपिंग बोर्ड पे बड़ा मुश्किल होता है चॉपिंग बोर्ड पे काटना ना। ये देखो, ये मैं इसलिए हाथ से काट रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी भी हाथ से ही काटती है। मुझे पता है इसीलिए। ये आपने पहले देखा होगा। अब ये निकाल दीजिए। ये निकाल दें, काला काला। हाँ, ये देखो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये पहले अगर आप देखें तो सबके घरों में जो ये अंगूठे पे छुरियों के निशान इतने होते थे, चॉपिंग बोर्ड इतना नहीं होता था ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब फैशन आ गया ना चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड का फैशन आ गया। अब आप को मैं देता जाऊंगा सामान। वो रहा तेल, जितना आपने डालना है आप उतना डालो। पर अब मैं डालूंगी, देखना मत। नहीं, देखता नहीं। नहीं, जितना जितना आपको डालना है उतना डालें। भाई घर में तो हम मना कर देते हैं। घर में मना कर देते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे अपने स्टाइल से आप बनाओ। हाँ जी, अभी आप जीरा डालेंगे उसके बाद। ओके, जीरा हो गया लाल। हाँ जी, और अब इसमें नमक डालेंगे आलू के हिसाब से, जितना डलेगा स्वाद अनुसार। चलो जी, नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार। और अब लाल मिर्च। लाल मिर्च, वाह। और अब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, अच्छा ये जो धनिया पाउडर था ये पहले था, अब ये मोटा वाला। मोटा वाला चाहिए जी, मोटा वाला अच्छा रहता है जरा। ओके, ये मोटा कुटा हुआ। कुटा हुआ आपने पीसा ना, इसलिए अच्छा हुआ। हाँ, ये मैं पीस के लाया। इसमें प्यार हो गया ना। अब प्यार आ गया। और ये अब इसमें जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, क्या बात है। फिर सारे मसाले और ये सारी चीजें हो गई मिक्स। अमचूर, अमचूर रह गया, खटाई अमचूर की। ओके, ये अमचूर। चलिए, जीरा पाउडर डाल दिया ना। हाँ, जीरा पाउडर डाल दिया। बस आलू दे दीजिए। आलू दे दूं मैं? आलू। धनिया पाउडर डालो। धनिया, हरा धनिया। हाँ जी, ये लो जी। कितना? नहीं, मैं नहीं डालूंगा। मैं डाल। ओके, धनिया। वाह, हाल ही में हमारे घर में मिस्टर MS गुप्ता, मेरे बहुत पुराने बॉस, वो घर पे आए तो खाना खाया, मम्मी ने यही आलू बनाए हुए थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, कहते हैं ये जो आलू हैं ये अलग बने हुए हैं, और कहते हैं बड़ी स्किल चाहिए कि आलू में है तो सिंपल जीरा आलू लेकिन सारा मसाला लगा हुआ रहे। तो मुझे ये ध्यान आया, मैंने कहा बात तो सही है लेकिन अब इसमें ट्रिक मुझे समझ आ गई। आपको आई है नहीं आई है? क्या ट्रिक है जी? अब आपने देख ही ली है जी, तो मतलब सीक्रेट आउट। लेकिन टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। टेस्ट कर लीजिए, गरम गरम होगा। अच्छा है? कैसा? अब खाने पे आपको पता लगा होगा। एकदम वही स्वाद जो बहुत सालों से मैं खा रहा हूँ। ये बार बार वैसा कैसे बनता रहता है? अब कुछ तो सीक्रेट रहना ही चाहिए ना। हलवाई अपना थोड़ी बताते हैं मैं कैसे करता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं रहता, जो है जैसे है वैसे के वैसा सब आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आप क्या कर रहे हैं माँ बेटे के बीच में? नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। जीरा आलू, इसके लिए हमें चाहिए
चार बड़े आलू उबले हुए और कटे हुए, चार बड़े चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो बड़े चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, दो छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच अमचूर और दो बड़े चम्मच हरा धनिया कटा हुआ। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में तेल या घी गरम करके इसमें जीरा डालकर भून लें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर, अमचूर और उबले हुए और कटे हुए आलू डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएं और इसे परोसे गरम। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा मदर्स डे स्पेशल। भाई माँ के हाथ का खाना होता ही अच्छा है। आपने मेरी मदर के साथ में उनकी स्पेशल रेसिपी देखी, अब भी अगली उन्हीं की रेसिपी। ये जो रेसिपी है सिंपल है लेकिन कुछ अलग है और यही खासियत है। भाई रेसिपी सारी सिंपल होती है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो बनती नहीं है, लेकिन ये सिंपल वाली भी इतनी आसानी से नहीं बनती। देखते हैं कि ये जो रेसिपी है किस तरह से हम इसको कुछ ऐसा बनाएं कि आपको भी पसंद आए, मुझे भी आए और मेरी मदर जो है ना उनको भी पसंद आए। मदर्स डे स्पेशल है ना, इसके लिए कुछ दालें चाहिए और तीन दालें चाहिए। एक तो दाल चाहिए उड़द और मूंग की दाल और चने की दाल, ये भी पानी में भीगी हुई। ये तीनों दालों को थोड़ा पानी डाल के हमने पीस लिया। अब जरा इसमें नमक डालते हैं, ये लीजिए, और उसके साथ साथ थोड़ा तीखा बनाने के लिए इसमें डालते हैं हरी मिर्च की पेस्ट और इन सब चीजों को फेंट लें। अब क्या करना है, अब आप चाहें तो चम्मच से ये बना सकते हैं, अच्छी तरह से फेंटा हुआ ये बैटर चम्मच से डालें। थोड़ा अभी गर्म होना चाहिए ये, तब तक एक काम कर लेते हैं, जब तक ये गर्म होता है मसलिन क्लॉथ लेकर दही उसके अंदर, ताकि ये दही एकदम स्मूथ हो जाए बिना किसी लंप्स के। चलिए दही पे वापस आएंगे लेकिन उससे पहले जरा ये देख लें। अब मुझे लगता है तेल जो है गर्म हो गया है। जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो चम्मच से डाल सकते हैं, नहीं तो हाथ करें थोड़े से गीले और ये लें इस तरह से बैटर और फिर डाल दें इसके अंदर। ये जब तक फ्राई होते हैं दही में नमक, थोड़ा काला नमक, बस। चलिए दही हो गई और ये जो भल्ले हैं इनका क्या हाल है। अच्छा ये जब बन जाए उसके बाद आप इसे निकाल लें और निकालने के बाद इसे डालें थोड़ा गर्म पानी के अंदर। इससे क्या होगा, इससे ये सॉफ्ट होंगे। ये जो भल्ले हैं ये निकाले पानी में से, आहा देखिए कितने अंदर से लाइट एकदम, पानी में से निकालें दही के अंदर डालें। जी हाँ दही में कोई कंजूसी नहीं और जिस भी बर्तन में आपने इसे डालना है बस लीजिए। ये देखिए और क्या डालना चाहते हैं आप, चटनी डालना चाहते हैं तो इमली वाली चटनी भी ज़रूर डालें भाई, डालना चाहते हैं हरी चटनी तो वो भी ज़रूर डालें, और क्या डालेंगे, लाल मिर्च ये लीजिए, मना थोड़ी कर रहे, जीरा वो भी डालिए, बस और कुछ ना डालें। उसके बाद प्रेम पूर्वक ठंडे ठंडे भल्ले, सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ। ये रेसिपी घर से ही आ सकती है, मदर की हो सकती है, प्रोफेशनली बना सकते हैं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। और आज के मदर्स डे स्पेशल में और क्या है भाई, ढेर सारा प्यार है और क्या है, देखते रहें खाना खजाना। तीन दाल के दही भल्ले, इसके लिए मैं चाहिए भल्ले के लिए
तीन चौथाई कप धुली हुई मूंग दाल, एक चौथाई कप धुली हुई उड़द की दाल, दो बड़े चम्मच चना दाल, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट और तलने के लिए तेल, परोसने के लिए ढाई कप दही, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा कप इमली की मीठी चटनी, आधा कप हरी पुदीने धनिया की चटनी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे बनाने के लिए तीनों दाल को पानी में करीब 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखें और इसके बाद इसे छानकर इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लें। अब इसमें नमक और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर मिलाएं और हथेली को गीला करके इसके बड़े बनाएं और इसे गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इसे निकाल कर गुनगुने पानी में डालें और कुछ देर तक रखें। अब दही को मसलिन क्लॉथ में डालकर छान लें। इसमें नमक काला नमक डालें, मिक्स कर लें और इसमें डालें तले हुए वड़े। डालने से पहले पानी में से निकालकर निचोड़ जरूर लें। अब वड़ों को दही के साथ एक प्लेट में निकालें। इसके ऊपर इमली की चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर इसे परोसे ठंडा ठंडा। भाई वड़ा एक ऐसी चीज है सुबह शाम दोपहर या खाने के साथ कभी भी खाया जा सकता है, यानी स्टार्टर भी एपेटाइजर भी, सब तरह से लोकप्रिय है ये वड़ा। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में दही भल्ले के कई रूप हैं, विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पेरुगु गरेलू, महाराष्ट्र में दही वड़ा, तो तमिलनाडु में तायर वड़ा के नाम से जाना जाता है। वड़े को मुलायम बनाने के लिए एक टिप मैं आपको दे देता हूँ। आप वड़े के बैटर में थोड़ा सा दही डाल दें, फिर बनाइए। देखिए जो वड़े हैं बनेंगे नरम और तेल भी थोड़ा कम लगेगा। और अब बारी है आज की टिप की। भाई अगर भल्ले का बैटर बच गया हो तो क्या कर सकते हैं, चलिए केक बनाते हैं या हांडवो बना सकते हैं आप। इसके लिए एक बोल में करीब 2 कप बचा हुआ भल्ले का बैटर ले लें। इसमें मिलाएं नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। सब चीजों को मिक्स करें। अब इस बैटर को एक पैन में डालकर इसे पकने तक स्टीम कर लें। आप इसे अवन में भी पका सकते हैं। पकने के बाद एक पैन में 4 बड़े चम्मच तेल गरम करके इसमें 1 छोटा चम्मच राई और तिल डालकर भूने और राई और तिल भुन जाने पर इसे डालें पके हुए हांडवों के ऊपर। ढक्कन लगाकर कुछ देर तक और पकाएं और परोसें इस गर्मा गर्म स्वादिष्ट हांडवों को। भाई आज का ये जो मदर्स डे स्पेशल है, मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं कि आप अपनी मदर के हाथ का जो खाना है वो औरों के साथ शेयर कर सकें। भाई खुद तो खा सकते हैं, लेकिन मैं किस्मत वाला हूँ कि आपके साथ उनके हाथ का खाना शेयर कर पाया। आप भी अपना खाना सबके साथ शेयर करें, आपको भी खुशी होगी, आपके बच्चों को भी, नहीं बच्चे नहीं है कोई बात नहीं, आपकी माँ को भी। जी हाँ, आज का जितना खाना है, वैसे एक काम क्यों ना करें, आज मदर से खाना बनवाएं नहीं, उनके लिए कुछ स्पेशल बना के खिलाएं। मैं यहाँ पे तो नहीं बना रहा, लेकिन घर जाके ज़रूर बनाऊँगा। आप क्या करेंगे, चलिए वायदा तो कर ले, निभाए ना निभाए। मैं जानता हूँ खाना खजाना के देखने वाले वायदा करते भी हैं और निभाते भी हैं। नमस्कार।